हाँ तो रणबीर कपूर बाप बन गया और उसकी खुशी में कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्रेडी मूवी का जो है वो टीजर रिलीज हुआ है कार्तिक आर्यन की। तो चलिए देख लेते हैं कैसा है टीजर और किस टाइप की मूवी हो सकती है ये। डेंटिस्ट है कैसे हट रहा है ये? अच्छा कछुआ बाजू में बैठा है पीछे। ओ लाश को लेके आया यार। सॉरी सर कैप्ट यू वेटिंग। लाशों के दांत उखाड़ रहे हैं भाई। ओके तो भैया देखो जहां तक देख के लग रहा है तो ये मूवी है एक तरह की साइकोलॉजिकल थ्रिलर। और सच बोलूं तो एक चीज देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कार्तिक आर्यन जो कॉमेडी मूवीज ज्यादा करते हैं वो अब इस तरह की मूवी कर रहे हैं। तो कुछ एक्टर्स को इनसे सीख लेना चाहिए कि भैया इस तरह की भी मूवी करनी चाहिए। टीजर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से एडिट किया गया है और उसके जो कट्स है वो इस तरह से लगाए गए टीजर में कि क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है आपको देखने में। कार्तिक आर्यन की एक्टिंग जो टीजर में लग रही है वो इस तरह लग रही है कि भैया पूरी तरह अपने कैरेक्टर में डूब गए। खासकर इस सीन में जब वो डांस कर रहे हैं तो एक पता चल रहा है कि वो भैया पूरी तरह से अपने रोल को निभा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कैची थिंग है पूरे टीजर की वो है उसका BGM। बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा ही कमाल का है, बहुत ही ज्यादा थ्रिल पैदा कर रहा है वो टीजर में। अगर इसी तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक रहा मूवी में तो बहुत मजा आएगा। बैकग्राउंड म्यूजिक आपको थोड़ा डरा भी रहा है और थोड़ी क्यूरियोसिटी भी पैदा कर रहा है कि भैया ये क्या है और क्या होगा। ये मूवी में कार्तिक आर्यन एक डेंटिस्ट होंगे लेकिन साथ साथ एक साइको किलर भी है। टीजर में वैसे उनके डायलॉग तो नहीं है लेकिन एक ही डायलॉग है और वो बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। और कार्तिक आर्यन अपने कैरेक्टर में ये भी दर्शाते हैं कि द साइलेंट माइंड हैज द लाउडेस्ट वॉइस। टाइटल है वो भी बड़ा अजीब सा है फ्रेडी, और ये थोड़ा थ्रिल भी पैदा करता है ये टाइटल बिकॉज फ्रेडी क्रूगर अगर आपको याद होगा अगर आपने मूवी देखी है नाइटमेयर ऑफ एल्म स्ट्रीट तो उसके अंदर जो मेन विलन है जो लोगों को सपनों में आके मारता है उसका नाम फ्रेडी क्रूगर था। लेकिन एक चीज का बुरा लग रहा है कि भैया वो इस टाइप की मूवी हॉटस्टार पर क्यों रिलीज कर रहे हैं, थिएटर में रिलीज होनी चाहिए थी ये मूवी। लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया कि भैया ये हॉटस्टार पर रिलीज होगी तो शायद ज्यादा चल सकती है क्योंकि भैया कमर्शियल मूवीज और कॉमेडी मूवीज जो है वो अपने थिएटर में रिलीज कर रहे हैं और इस टाइप की मूवीज जो OTT की पब्लिक है वो उनको भी कवर कर रहे हैं इस मूवी के साथ में। तो एक ही चीज कहूंगा टीजर देख के मजा आया और साथ साथ कुछ अलग कर रहे हैं कार्तिक आर्यन जो वो हमेशा नहीं करते वो देख के भी ज्यादा अच्छा लग रहा है।